हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज वो दिन आ गया जब मैं प्री वेडिंग शूट के लिए जाने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों, मैं आपको लेके चलता हूँ और जल्दी से दिखाता हूँ कैसे प्री वेडिंग शूट होता है। तो आज हम लोग जा रहे हैं प्री वेडिंग के लिए। ये दूल्हा दुल्हन बैठे हैं पीछे तो हम इनकी प्री वेडिंग के लिए जा रहे हैं दोस्तों, और आज हम आपको दिखाते हैं कि दिल्ली में कैसे कैसे कहाँ कहाँ प्री वेडिंग होती है और कैसे कैसे रहता है सारा सिस्टम। तो आइए दोस्तों, मैं आपको लेके चलता हूँ। तो दोस्तों फाइनली अब हम लोग पहुंच गए हैं क्रॉट प्लेस, और यहाँ पे एज यूजुअल हम लोग आए हैं H&M। तो दोस्तों ये रहा H&M, यहाँ पे आ गए हम लोग, और यहीं पे अभी हमारा थोड़ा फोटो शूट होगा क्योंकि यही अमीर जगह लगती है पूरे क्रॉट प्लेस में, फ्री की जो लोकेशन है। तो बाकी हमारे कैमरामैन वगैरह भी आ ही गए हैं, बेचारे ठंड में जुड़ रहे हैं, इन्हें लगा यहाँ बहुत गर्मी होगी। दोस्तों आइए मैं आपको लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ एकदम इनका प्री वेडिंग शूट कैसे होता है। A few moments later. तो दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं क्रॉट प्लेस, और ये देखो मेरे पीछे H&M है, और अभी यहाँ पे हम लोग प्री वेडिंग शूट करने वाले हैं। ये दुल्हन, ये दूल्हा, ये हमारे कपिल भाई हैं, बहुत अच्छा फोटो शूट करते हैं। हेलो अंकित, देखा मैंने यार व्लॉग में, देखा होगा। तो दोस्तों अभी हमारा प्री वेडिंग शुरू होने वाला है। दोस्तों पहले पता क्या होता था, जब ऐसे मैं कभी गुजरता था ना यहाँ से आसपास से, तो मैं बड़ा मजाक उड़ाता था इन सबका, मतलब जो प्री वेडिंग वाले होते हैं ना, मैं इन सबको बहुत मजाक उड़ाता था। क्या यार, इनका कोई टाइम ही नहीं है क्या, मतलब किसी चीज़ का ये फालतू काम करने में लगे हुए हैं। बराबर लग रहा है इसकी इम्पोर्टेंस। ये कपिल हमारे डायरेक्टर हैं, और उनके पीछे उनका क्रू है। ये दूल्हा दुल्हन, और दोस्तों अभी ये बेचारा ट्रक आ गया और उसने डिस्टर्ब कर दिया। एक्चुअली दोस्तों हमारा सुबह आने का प्लान था जल्दी, बट हम लोग थोड़ा लेट हो गए। लेट इसलिए हुआ क्योंकि दूल्हा दुल्हन इनको थोड़ा रेडी वेडी होने में टाइम लगता है। तो बेचारे अब देखो पीछे यार वहाँ पे फ़ोटो शूट करा रहे हैं, वीडियो शूट इनका हो रहा है। अब इसके बाद यहाँ से हम जाएंगे कहीं और, फिर वहाँ से कहीं और, तो ऐसे ही आज पूरा दिन चलेगा। वो शूट तो कर रहा हूँ। वो देखो दोस्तों, वो देखो, वो देखो, वो देखो, वाओ नाइस। अब दोस्तों ऐसे करते करते 8-10 शॉट लेंगे और उसमें से एक हम फाइनलाइज करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखो सरबजीत मिला। और कैसा है तू? अच्छा साइकिलिंग शुरू कर दी, बहुत अच्छे। और ठीक है तू अकेले आया? चल वेरी गुड, अकेले आया यहाँ पे? नहीं नहीं फ्रेंड के साथ। अच्छा चल वेरी गुड यार, और बता। अच्छा मेरा सब्सक्राइबर है वो बहुत अच्छे। दोस्तों ऐसे चलता है प्री वेडिंग शूट। तो दोस्तों अभी हम लोग हैं कनॉट प्लेस में, शंकर मार्केट एरिया है, तो अभी हम यहाँ पे हैं। और ये है पब्लिक वॉशरूम, यहाँ आए थे हम, जो कि बहुत ही गंदी हालत में है, एकदम गंदी सी हालत हो रखी है इस वॉशरूम की, बिल्कुल साफ़ सुथरा नहीं है। दोस्तों अभी हम लोग अपनी दूसरी लोकेशन में आ गए हैं, और यहाँ पे दूल्हा दुल्हन रेडी हो गए हैं पूरा। राहुल आपका पैर भी आना चाहिए फ्रेम में पीछे से, मतलब शी वॉकिंग और आप पीछे से साइड आके, नहीं नहीं पीछे से आके ही साथ में आके वॉक करने लग गए। अच्छा हाथ पकड़ लिया, पैर में छोटा, मतलब ये पैर आपके, मतलब कोई इन हो चुका है फ्रेम में, इन हो चुका है। If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon.
अच्छा शॉट आया। दोस्तों अभी फोटो शूट करते करते वीडियो शूट करते करते एक घंटा हो गया ऑलमोस्ट, और काफ़ी अच्छे अच्छे शॉट्स आए हैं, और ये वाली पूरी वीडियो तो आपको थोड़े टाइम बाद देखने को मिलेगी, बट अभी फ़िलहाल आपको इसी ब्लॉग से काम चलाना पड़ेगा। और बाकी अभी मैं आपको आगे आगे दिखाता रहता हूँ कैसे कैसे आता है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों। When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe. तो दोस्तों अभी यहाँ पे सेकंड लोकेशन पे भी हमारा शूट हो गया है। तो दूल्हा दुल्हन कैसा लग रहा है आप लोगों को शूट करके? कैसा रहा आपका अभी तक का एक्सपीरियंस? तो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं लोधी कॉलोनी, वहाँ पे अभी हम लोग थोड़ा सा वहाँ पे भी शूट करेंगे, और हमें तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है भाइयों? फीलिंग गुड, अच्छा आ रहा, मज़ा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। और ये हमारे डायरेक्टर साहब की गाड़ी है, और शीशा थोड़ा सा गंदा हो रखा है दोस्तों, सो प्लीज़ एक्सक्यूज। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुँच गए हैं लोधी कॉलोनी, और यहाँ पे अभी हम लोग बस फोटोशूट करेंगे, इनका वीडियोग्राफी करेंगे, ये जो ऐसी वाली जो कलरफुल वॉल्स हैं इनमें करेंगे, और उसके बाद वी लीव टू अनदर डेस्टिनेशन। तो दोस्तों अभी शुरू हो गया यहाँ पे इनका वीडियो शूट। वहाँ से ऐसे दूर रख के हाथ पकड़ लो, ऐसे बीच में सेंटर में, साइड में ऐसे करके आते हैं, सेंटर में मिल लेना, बताएंगे कुछ तो करेगा। यार ये वाला अजीब सा लग रहा है उठाना, ऐसे उठा लेना ऐसे। लुक एट ईच अदर, इन द रिवर इसे देखते हुए करिए, आइए तो दोस्तों अभी हम लोग यहाँ लोधी कॉलोनी में जो हम अपना फ़ोटोशूट कर रहे हैं, तो यहाँ पे अभी पेंटिंग हो रही है पीछे, तो ये वाली जो वॉल्स हैं ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनमें पेंट करवाती है, और आई गेस इनका कॉन्ट्रैक्ट कुछ एशियन पेंट्स वगैरह के साथ है, तो ऐसे यहाँ पे पेंट होता है पूरी, यहाँ पे एक वो आता है ऐसे क्रेन टाइप की आती है, और इसके ऊपर वो आर्टिस्ट हैं वहाँ पर, इसके ऊपर वो आर्टिस्ट वहाँ पर चढ़े हुए हैं, और ये लोग उसको अच्छे से पेंट करते हैं जैसे आप ये देख रहे हैं पूरा। और ये लोधी कॉलोनी में बहुत जगह है, इस वाली वॉल पे भी आप ये देखो कितनी अच्छी अच्छी आर्ट यहाँ पे लगा रखी है इन लोगों ने, और ये बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ पे देखने में। तो दोस्तों आज की ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और जो हमारी आगे की शूटिंग है वो मैं आपको अपने अगले पार्ट में दिखाऊँगा। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।